माँ गुलजारी भरत प्राइवेट आईटीआई कंसो मऊ से। मैं इलेक्ट्रिशियन अनुदेशक अजीत कुमार आज लड़कों को डीएलओ स्टार्टर के साथ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चला करके दिखाऊंगा और उसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। इंडक्शन मोटर से 6 लीडें निकलती हैं। इन 6 लीडों को तीन फेज में परिवर्तित करके डीएलओ स्टार्टर से डीओएल स्टार्टर से कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने का जो सूत्र है A2 B2 C2 C1 A1 B1 स्टार संयोजन के लिए, स्टार संयोजन के लिए A2 B2 C2 को आपस में 60 सर्किट करके C1 A1 B1 में थ्री फेज की सप्लाई दी जाती है, जिससे मोटर स्टार में संयोजित होकर चलती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर से जो 3-6 लीडें निकली हुई हैं, इसमें लाल वाला जो है A2 है, पीला वाला जो है B2 है और नीला वाला जो है C2 है। ठीक उसी क्रम में यह लाल वाला जो है A1 है और यह पीला वाला जो है B1 है और यह जो नीला वाला जो है C1 है। तो A2 B2 C2 को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं कनेक्शन करने से पहले स्टार संयोजन के लिए। इस कनेक्शन को हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये जो 3 लीडें बचेंगी A2 B2 C2 डीओलो स्टार्टर में, हम सबसे पहले A2 का कनेक्शन करेंगे। इसके बाद B2 का कनेक्शन करेंगे।
इसके बाद सी टू का कनेक्शन करेंगे। स्टार्टर मोटर का स्टार में संयोजन करने के बाद हम इसे तीन फेज की सप्लाई से भी संयोजित करेंगे स्टार्टर को। यह जो सप्लाई दी जाएगी, इस सप्लाई को हम रिले से होते हुए कनेक्टर में देंगे और कनेक्टर से जो यह होगा कनेक्ट करके स्टार्टर मोटर को सप्लाई देगा। तीन फेज की सप्लाई देने के बाद स्टार्टर को इस तार को हम मेन स्विच के द्वारा कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इस मोटर को सप्लाई दिया जाएगा। स्टार्टर में सप्लाई देने के बाद स्टार्टर का ऊपरी कवर हम कसेंगे। कसने के बाद थ्री फेज सप्लाई देने के बाद स्टार्टर को थ्री फेज सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे कि जो इसका एनो संयोजक का स्विच है उस बटन उसको दबाएंगे, इससे मोटर स्टार्ट हो जाएगा और अपना कार्य करना प्रारंभ। मोटर को ऑन करने के बाद मोटर को ऑफ करने के लिए हम एन सी संयोजक के पुश बटन को दबाएंगे जिससे कि मोटर ऑफ हो जाए। इस प्रकार यह प्रैक्टिकल पूर्ण हुआ।